नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। आज हमारी खास वीडियो है, पति की तरक्की को रोक देते हैं बीबी के ये सात काम। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। शास्त्रों में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शादी के बाद जिस घर में वह जाती हैं, उनका भाग उस घर से जुड़ जाता है। अगर वो चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो ना सिर्फ घर में कंगाली लाते हैं बल्कि इससे पति की तरक्की में बाधा भी आती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के द्वारा किन कामों से पति कंगाल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सुबह देर से उठना। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, ऐसे में उन्हें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। जिस घर की औरतें सुबह लेट उठती हैं, वहां माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। साथ ही सूर्यास्त के बाद महिलाओं को कभी भी सोना नहीं चाहिए। इससे ना सिर्फ धन की कमी होगी बल्कि आपके पति की तरक्की में बाधा भी आएगी। नाक पर गुस्सा रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां शांत स्वभाव की महिलाएं अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं, वहीं गुस्सा सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने आपके गुस्से पर काबू रखें। जिस स्त्री के घर में कल कलेश का माहौल बना रहता है, वहां माता लक्ष्मी वास नहीं होती। झाड़ू को पैर मारना। झाड़ू को पैर या ठोकर मारने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि यही उनका रूप होता है। इतना ही नहीं, इससे घर में दरिद्रता भी आती है, इसीलिए कभी भी झाड़ू को पैर ना मारे। साफ सफाई ना रखना। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर गंदगी व झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही यह कंगाली के साथ साथ अन्य परेशानियों का कारण भी बनता है। सुहागन महिलाएं किसी से ना बांटे ये चीजें। शादीशुदा महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी, बिंदी, पायल और चूड़ी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते में प्यार कम होगा बल्कि यह आर्थिक हानि का कारण भी बनेगा। सूर्यास्त के बाद ना करें ये काम। सूरज डूबने के बाद महिलाएं कभी भी कंघी ना करें और ना ही टूटे हुए बाल घर से बाहर फेंकें। इससे घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना लगाएं। किसी को भी ना दान करें ये चीजें। शास्त्रों के अनुसार सूरज ढलने के बाद कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही दिन ढलने के बाद दूध, दही, प्याज और लहसुन किसी को भी ना दें। इससे आपके घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के घर में चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।